सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट। अब आपको मुमरा के बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट हैं ब्राइडल मेकअप एंड हेयर स्टाइल में, और साथ ही साथ अलग अलग फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कलर, हेयर स्पा और कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बेस्ट ब्राइडल मेकअप के लिए आइए आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट। ब्राइडल पैकेज पर स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है, जल्दी कॉन्टेक्ट करें। इमारत की ड्रेनेज पाइपलाइन बनी विवाद का कारण उदयनगर की साईं सुमन अपार्टमेंट के लोगों और परिसर के लोगों में हो रहा है विवाद। तोड़े गए अस्पताल के खिड़कियों के कांच। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा उदयनगर परिसर में, उदयनगर के शुरुआत में ही साईं सुमन अपार्टमेंट है, इसके पीछे कश्यप अपार्टमेंट है। साईं सुमन अपार्टमेंट का अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और वहीं यहां के स्थानीय अन्य लोगों का, जिसमें खास करके कुछ नमाजी हैं जो कि अक्सर यहां इस इमारत से लगी हुई दो मस्जिदों में इन नमाजियों का आना जाना होता है, इनका और अन्य लोगों का कहना है कि साईं सुमन की ड्रेनेज की पाइपलाइन 3 साल से यहां लीकेज है, लोगों पर अक्सर गंदा पानी और शौच का पानी गिरता रहता है, जिसको लेकर के ये विवाद अब गहराता जा रहा है। सोमवार को कुछ युवकों ने ये पाइपलाइन पूरी तरह से तोड़कर निकाल फेंक दी, और उसके बाद इसी साईं सुमन अपार्टमेंट में जो अस्पताल है उसकी खिड़कियों के कांच भी जो है वो मुंडे से तोड़ दिए। उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही इस पूरे विवाद को लेकर दोनों तरफ के लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मगर इसमें एक बात दिख रही है कि अगर ये विवाद वक्त रहते नहीं सुलझा तो हो सकता है कि यहाँ पर इस ड्रेनेज पाइपलाइन लीकेज की वजह से कोई बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। क्या नाम है आपका? कुलसुम। कुलसुम जी, ये जो कल मुमरा चौकी में एनसी दर्ज की गई है, और ये आपका पहली बात तो ये बताइए, ये पूरा इलाके का नाम क्या है और एनसी क्यों दर्ज की गई? उदयनगर है पूरे इलाके का नाम है, एनसी इसके लिए दर्ज की गई कि नीचे के जो लड़के लोग हैं। ये बिल्डिंग का नाम क्या? बिल्डिंग का नाम साईं सुमन अपार्टमेंट जी उदयनगर। यहाँ पर नीचे के लड़के लोगों ने हमारा ड्रेनेज पाइप तोड़े, जो पानी का मतलब लीकेज था पहले, उन लोगों को बोले भी हमारी बिल्डिंग रिपेयरिंग होने वाली है तो ये पाइप लाइन पूरी बन जाएगी, लेकिन उन लोगों ने अपनी मनमानी करके नीचे से पाइप से पूरा उखाड़े और पूरा पाइप तोड़ दिए, और दूसरा हॉस्पिटल के पूरे कांच तोड़ दिए खिड़की के। पाइप तोड़ना रीजन समझ में आता है जो लीकेज था, हाँ। तो ये खिड़की तोड़ने का क्या मतलब? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो रीजन क्यों है कि इन लोगों ने ये कांच क्यों तोड़े, बिल्डिंग को नुकसान करने का मतलब क्या है? लीकेज था, आप लोग आके हमारे से बात कर सकते थे तो हम लोग बता सकते कि भाई हमारा बोलते भी है उन लोगों को कि हमारी रिपेयरिंग चालू होने वाली है 2-3 दिन में, तो ये लीकेज के लिए कभी आपसे बात नहीं की? कभी उन लोगों ने लोग नहीं किए नहीं, लेकिन हम लोग खुद जो होता था हम लोग खुद बना देते थे, जो अगर ज़्यादा लीकेज होता था मामूली सा जो बुन बुन गिरता है तो आजकल अभी देखो हर जगह पे लीकेज प्रॉब्लम चली रही है, पुरानी बिल्डिंग है वो हिसाब से, लेकिन अभी रिपेयरिंग का काम चालू होगा तो हमारी पूरी पाइप लाइन ड्रेनेज लाइन पूरा टोटली होगा, और हमारे को यहाँ पीछे ही हमने दिए ले कॉन्टैक्ट जिस जो आदमी को तनवीर भाई को यहाँ का पूरा काम का, वो अभी 2-3 दिन में वो काम हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो छोकरे लोग ने तोड़ा है ये किधर के रहवासी है? ये इधर कश्यप के है, ऊपर पहाड़ के थे, वो सब दोस्ती मंडली है उन लोगों की पूरी। अच्छा, मतलब सब जमा होके हैं? हाँ, वो सब क्या नीचे ही बाइकों पे सब बैठे रहते हैं, नीचे ऊपर के नीचे के सब जगह के आजू बाजू की बिल्डिंग के। उन लोगों का कहना ये भी है जो नमाजी जाते हैं पीछे मस्जिद, वो हम भी समझते हैं, वो हमको भी मालूम है कि नमाज हम भी पढ़ते, हमको मालूम है कि भाई वो गंदगी है, लेकिन हम लोग क्या करें कि कितनी बार हम लोग बना चुके हैं, एक बार भी नहीं, बार बार हम लोग बना चुके हैं, और अभी भी उन लोगों को यही रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग ये चीज मत करो, हम लोग रिपेयरिंग काम चालू होगा तो बन जाएगा, आप लोग मतलब गलत चीज मत करो, तो अभी उन लोगों ने क्या हम लोग को धमकी दी है, तुमको जो करना है वो कर लो, हम पूरा पाइप उखाड़ के फेंकेंगे, आपके बाथरूम में आकर बूझ मार देंगे,
आपको जहाँ पर जाना है वहाँ जाओ, पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ, धीरे जाना है उधर। इस वजह से हम लोग को LC लिखानी पड़ी। तो कल आपने जो NC दर्ज करी मुमरा चौकी में, तो उसका क्या रीज़न है? वो यही रीजन है कि उन लोगों को हम लोग जब प्यार से हम लोग समझा रहे थे, तो इन लोगों को वहाँ बुलाया गया? उन लोगों को बुलाया नहीं गया, अभी पुलिस लोग आए थे उन लोगों, लेकिन इन लोग ने घर बंद करके सब इधर उधर भाग गए, कोई भी हाथ में नहीं आया। वो पुलिस बोले कि हम वापस राउंड अप मारेंगे, और बाद में बोले हम लोग एक्शन देंगे उन लोगों के खिलाफ। क्या नाम है आपका? खुशहाल। ये हॉस्पिटल में आप क्या पोस्ट रखते हैं? फार्मासिस्ट। अच्छा, तो ये जो ग्लास तोड़ी गई जब आप लोग मौजूद थे इधर? हाँ, तो ये चालू था, मैं अंदर था, पीछे से आवाज आया। अच्छा, तो आपने NC दर्ज कराने के बाद फिर आपको क्या बोला गया? डॉक्टर के पास गए थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर उनको बोला कि सब, मैंने नीचे जाके उनको बताया कि क्यों तोड़ा ग्लास, तो उन्होंने वही बताया कि पानी लीकेज हो रहा था, इसके वजह से ये तोड़े हमने। पानी लीकेज की वजह से तोड़े? हाँ। तो डॉक्टर साहब से उनकी कोई बात हुई है, कोई विवाद तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल यूसुफ सैयद है। मैं यहाँ पे 15 साल से रहता हूँ। ये जो पाइप है ये करीबन आज 3 साल हो गया टूट करके। यहाँ पे दो दो मस्जिद है, बच्चे लोगों का आना जाना है। हम लोगों ने कई बार ये बिल्डिंग वाले लोगों को बोला, इनके सेक्रेटरी को बोला कि भाई ये पाइप बनाइए, क्योंकि बच्चे लोग जाते हैं, बड़े लोगों को मालूम है कि हम लोग गंदा पानी है, बच के चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे अरबी के उनको नहीं मालूम है ये बात। जो बच्चे लोग हैं ना छोटे छोटे, उनको नहीं मालूम है कि गंदा पानी है, संडास का पानी है, तो लोग बेचारे पानी में चले जाते हैं। कई बार बारिश हो रही रहती है उसमें उन लोगों को समझ में नहीं आता काय का पानी है, क्या पानी है। तो हम लोग ये करीबन 3 साल से बिल्डिंग वाले लोग को बोल रहे हैं कि पाइप बनाइए, पाइप बनाइए। तो अभी आप देख रहे पाइप देखो गल रहा है। ये अभी ये बिल्डिंग वाले लोग का कहना है, जो पहले सोसाइटी चला रही थी बिल्डिंग, हाँ। हम सोसाइटी चेंज हो गई है, सोसाइटी अभी हमने अंडर में लिया है, हाँ। और अभी ये साइड का ऑलरेडी प्लस्तर और इसका काम होने वाला है, तो ड्रेनेज पूरा बदली होंगे। नहीं, वो तुम्हारा मसला अलग है ना, तुम सोसाइटी चेंज करो या सोसाइटी के ओनर चेंज करो, ये पाइप से बहुत लोगों को घिन है क्योंकि पीछे सोसाइटी रहती है। तो उन लोगों का ये भी कहना है ना भाई, आपने बच्चों ने इधर के कानून तोड़ के ये पाइप तोड़ा है और खिड़की तोड़ी है हॉस्पिटल की। पाइप तोड़ा नहीं है ना, हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ी है। वो पाइप उनको दिखाने के लिए वो लोग बोलते हैं, वो पाइप लेके वो पाइप को हिलाने के चक्कर में वो खिड़की पे हल्का सा लग गया, इसके लिए वो खिड़की थोड़ी सी टूट गई। कोई ज़बरदस्ती जाके उसको तोड़ा नहीं है, वो खाली पाइप को हिलाने के चक्कर में वो खिड़की पे लग गया बम्बू, तो उससे थोड़ी खिड़की टूट गई। लेकिन हम लोग थोड़ी आज से बोल रहे, एक दिन हुआ, दो दिन, 3 साल से हम लोग चिल्ला रहे एरिए के लोग, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। तो क्या करेगा आदमी, तुम इसके बताओ। लोग बनाते ही कब है? बनाते ही कब है? कई सालों से पानी गिरता, नमाज आदमी पढ़ता है, उनके यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते। बोलना, क्या नाम है आपको? फातिमा शेख। ये तकलीफ आप कब से उठा रहे हैं? अरे कब से बोले तो, दो तीन बार हो गए। ये लोग ऐसे पाइप लगा चुराते वापस निकल जाते। मैं 3 साल से यहाँ भाड़े पे रहता हूं। मैंने लोगों को सुबह में बड़बड़ करके गई हूँ। मैं बोली नमाजी की बदुआ लगेंगी तुम लोग को, हम लोग रोज हमारा रास्ता ही है ये। अभी आप बताओ, ये मतलब यहाँ से लगातार 3-4 बिल्डिंग का फिर हम लोग, ये आरती का है, कश्यप का है, और ये उसके आगे का, ये ने सब इधर से ही जाते, इनका रास्ता नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं है। इनका जो चेयरमैन है वो भी नहीं ध्यान देता है, उसको भी मैंने बोली चेयरमैन को बोला, तो चेयरमैन तो क्या बोलता है ना, खाला वो बिल्डिंग बनेगा तभी बनाएगा, अभी कब तक बन हम लोग रुकेगा अभी बिल्डिंग की। और नाम ले रहे हैं कि बच्चे लोग पहले तोड़ डाले, से देख रहा हूँ मैं ये। क्या नाम है आपका? जुनैद शेख नाम है मेरा। कौन सी बिल्डिंग में आप रहे? कश्यप एविंग। ये लोग की बिल्डिंग रोड पे, तो पीछे वाली बिल्डिंग को कचरा समझ रहे। कितनी बार बोला कि भाई इसको बना दो, तुम्हारी बिल्डिंग का अगर कोई भी बदली भी हो गया है तो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, ये हजार इस बिल्डिंग के लोगों ने कल पाइप तोड़ने पे और खिड़की अस्पताल की तोड़ने पे गाली भी बकी कर दी है। कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? ये एक्शन लिया गया तभी तो आप आए, पुलिस आई, नहीं तो कौन आ रहा था? कोई भी नहीं, झाँकने भी नहीं आ रहा। ऐसा लगा पीछे कचरा रह रहा है, कचरा कचर पट्टी के लोग रह रहे हैं। और इधर इधर आप देखो, इधर कैमरा मारो, इधर की पराची भी है, बिल्डिंग रिपेयरिंग हो रही थी, आगे तक बनी थी, तो जाने का रास्ता इधर से ही था, यही कोने से, तो संडास के पानी में भीग के ही जाना पड़ता था विसर्जन होने के बाद। क्या है वो बताओ?
ये पूरी नोटिस बिल्डिंगों ने साइन लिख के दी है, जिनको तकलीफ है ये पानी के पाइप से। और उसमें से तीन चार आप लोग ने कभी करे? ये अभी जब उन लोगों ने कंप्लेन किए थे एनसी के लिए, उसमें से तीन चार लेडीज थी, उसके बाद जब यहाँ पर आए थे स्टाफ आया था तो उसके बाद जो है हम लोग ने इस चीज की साइन लिए। We'll be right back.